क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट फोर नाइन लेवल 14, 17, 19 and 22। तो अगर आप इसकी गौर से ऑब्जर्वेशन इसके ऑब्जर्व करेंगे, नाइन में हम अगर कितना ऐड करें, डिफरेंस कितना है 11 और नाइन में 2 का, या नाइन में अगर हम 2 ऐड करें तो क्या बन जाएगा, प्लस 2 करें तो 11। अच्छा 11 एंड 14 3 का, 11 में प्लस 3 ऐड कर दें, अगर 11 प्लस 3 11 12 13 एंड 14 तो ये बन जाएगा 14। इसी तरह 14 में अगर 3 ऐड कर दें, प्लस 3 कर दें तो ये बन जाएगा 17। मतलब पहली टर्म में हमने 2 ऐड किया, दूसरी और तीसरी में कितना ऐड कर दिया, 3। अगेन ये क्या ट्विस्ट आ गया है कि 17, 18 एंड 19 के 17 में भी 2 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा 19। इस तरह 19 और 22 में कितना डिफरेंस है, प्लस 3 का, कि किस हम पहले इसका अब क्या सिमेट्रिक बन गई कि पहली टर्म में हमने कितना ऐड किया 2, तो किस तरह हमारे पास फर्स्ट टर्म आई, अगर फर्स्ट टर्म क्या है A1 है 9, तो A2 क्या बन जाएगी, A1 प्लस 2 जो कि क्या है 11 है। इस तरह A3 क्या बन जाएगी, A2 प्लस 3 जो कि क्या है 14 है। A4 क्या बन जाएगी, पर पिछले टर्म के डिपेंडेंट अगर बनाए ना, A3 प्लस 3 जो कि क्या आ जाएगी 17। और अगेन A5 क्या आ जाएगा, A4 प्लस 2 इज इक्वल टू 19। या डिफरेंस ले लें A4 माइनस A5 अगर कर लें, इस तरह भी हो सकता है A5 माइनस A4 के हम 4 पिछले तरह माइनस करते जाएं कि 9, तो इधर डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, अगर डिफरेंस के लिहाज से ये तब बन रही है, अगर हम सीरीज के लिहाज से करें तो हमारे पास जो इस जगह पर आएगा वो जवाब आएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने पिछले वाला सवाल कराया, अगर उस तरह करें तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा 2, A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा 3, और A2 में से 14 माइनस 11 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14 माइनस 11 3। इसी तरह A4 माइनस A5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, A6 माइनस A5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, A6 माइनस A5 से 19 माइनस 17 क्या आ जाएगा 2। मतलब हमारे पास एक तरतीब चाल पड़ी हर 2, 3, 2 के हम पहले 2 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म में 3, अब इधर 3 है इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बनेगी। तो इस तरह हमारे पास एक सिमेट्री बन गई है कि हम कभी 2 ऐड कर रहे हैं कभी 3, तो तरतीब क्या है कि अगर पहली टर्म में एक टर्म में हमने 2 ऐड किया, फिर नेक्स्ट 2 टर्म में हम 3 ऐड करेंगे, फिर अगेन हम उसके टर्म में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बनती जाएगी। इस तरह A6 इज इक्वल टू A5 प्लस 3। अभी 2 वाली टर्म गुजर गई तो क्या आ जाएगा, A5 क्या है हमारे पास, A5 है 19, 19 प्लस 3 क्या आ जाएगा 22। यहाँ तक तो हमारे मालूम था। अब हमने A7, A8, A9 जो अननोन टर्म्स हैं, A7, A8, A9 एंड A10 जो हमें मालूम नहीं है, हमने बेसिक तो वो फाइंड करनी है ना, तो हम इधर 2 ऐड कर चुके हैं, इधर 3, तो 3 के नेक्स्ट टर्म में भी इधर क्या ऐड होगा 3, क्योंकि पहले 2 ऐड करना है, फिर 3, 3, फिर 2, फिर 3, 3, फिर 2। वह A6 प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 22 प्लस 3 जो कि क्या आ जाएगा 25। तो A7 क्या आ गया 25, A7 प्लस 2 ऐड किया, 2, 3, फिर 2। इसी तरह A8 प्लस 3 होगा और A9 प्लस 3 होगा, तो ये टर्म्स आ गई हमारे पास 25 प्लस 2 ये आ जाएगा 27। तो 27 प्लस 3 इज इक्वल टू 30 एंड 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 33। तो ये जो 4 टर्म्स आई हैं, ये क्या है नेक्स्ट 4 टर्म्स जो कि हमने फाइंड करनी थी, इनको अगर आप एक लाइन में लिख लेंगे तो आपका जवाब आ गया है।